भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जहां पर पहले दिन टीम इंडिया का पूरी तरह से बोलबाला रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है भारतीय टीम। सबसे पहले तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत का ये फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम दिन का खेल खत्म होने तक 303 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो क्या सही है, क्योंकि भारत इस मैच में दो पेसर और दो स्पिनर के साथ उतरा है। बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को इस टीम में शामिल किया गया है। रविचंद्र अश्विन अनफिट होने की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में क्या सिडनी में ये दो स्पिनर टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे, क्या ये 20 विकेटें निकाल पाएंगे? बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिडनी की पिच अभी तक दिखाई पड़ रही है वो यही है कि सिडनी की पिच पर थोड़ा सा अनइवन बाउंस है और गेंद थोड़ा सा नीचे रह रहा है। पहले ही दिन अगर गेंद नीचे रह रहा है, पिच में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो यहाँ ये बात तो तय है कि स्पिनर को मदद मिल सकती है तीसरे दिन से। और अगर भारत दूसरा दिन बेहतरीन ढंग से खेलता है या फिर 450 भी बोर्ड पर लगा देता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगी और फिर भारतीय स्पिनर्स पूरी तरह से चढ़ बैठेंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर। देखना होगा कि क्या दो स्पिनर भारत को टीम इंडिया या को सिडनी में जीत दिला पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।